हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ आपके लिए। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आप देख रहे हैं सारा के सारा, ये कल आया है। और कल आया तो मैं रिपेयर करके क्यों नहीं दिया बताने वाला हूँ। तो कल जो था संडे था, और यहाँ शनिवार को ऑफ रहता है सारा, एजेंसी दुकान ज़्यादा करके सब बंद रहता है शनिवार को। मध्य प्रदेश सिंगरौली ज़िला ये पड़ता है, तो यहाँ ज़्यादा करके शनिवार को बंद रहता है और संडे को चालू रहता है। तो मैं संडे को भी छुट्टी रख लिया, मैं नहीं आया। बाकी एजेंसी खुला था, और एजेंसी खुला था तो कल ये गाड़ी आया है, देख रहे हैं आप। तो एक दो तीन चार पाँच और ये छः गाड़ी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसका पूरा आउटर टूट गया है, लॉक टूट गया है, फ्रंट फाइनल टूट गया है, ग्लू बॉक्स टूट गया है, इतना सारा प्रॉब्लम है। इसको पूरा रिपेयर करके दिखाने वाले हैं वीडियो में, आप एंड तक बने रहिएगा। और ये सब गाड़ी में बता अभी पूछें तो कुछ गाड़ी में मालूम चला कि इसमें बंद हो जाता है, ये दोनों गाड़ी चलते चलते इसमें बैटरी का प्रॉब्लम है। और वो जूम प्लस जो आपको दिख रहा है, ये जूम प्लस, इसमें कंट्रोलर का प्रॉब्लम है और इसमें भी बैटरी का प्रॉब्लम। ये दोनों का इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है चलते चलते। तो वो मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ, वो देख रहे हैं आप, उसका पूरा पार्ट चेंज करने वाला हूँ। और ये सब में क्या प्रॉब्लम है, सब छोटा प्रॉब्लम होगा या कुछ भी होगा, ये सब का वीडियो, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, और छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा तो इसको मैं रिपेयर करके कस्टमर को देने वाले हैं। तो देख रहे हैं आप एक दिन में कितना इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है। और वो ब्लू वाला पहले से अपने पास पड़ा है, उसका काम हो गया है। तो ये सब आप देख रहे हैं एक दिन में इतना इलेक्ट्रिक स्कूटर। और सबसे बड़ा सर्विस स्टेशन अपने पास ही है, और सबसे ज़्यादा सर्विस गाड़ी यहीं पर होता है। और मैं दिखाता हूँ पीछे भी गाड़ी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो भी एक कल आया है तो इसी शोरूम के अंदर डाल दिया, क्योंकि शोरूम के अंदर गाड़ी इधर नहीं रखते हैं, आगे में पीछे गाड़ी रखते हैं। अगर जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहा बैटरी वैटरी का तो पीछे रखते हैं। तो पीछे का भी थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो चलिए मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ऐसे जो पहले का गाड़ी है ये तो अपने पास पड़ा ही है। देखिए ये देखिए ये देखिए ये आप देख रहे हैं। और कल एक ये भी आया है, ये देखिए। और इसमें बता रहा है कि कंट्रोलर में इसमें भी दिक्कत है, मेरे ख्याल से वो बता रहा था, कस्टमर फ़ोन कर देते हैं मेरे पास पहले ही। तो ये देखिए, इसका मीटर चालू हो गया, एक्सीलेटर देता हूँ, ये देखिए नहीं चल रहा है। इसमें देखिए थ्री स्पीड मोड हट गया है, देख रहे हैं आप। तो ये भी कल ही इलेक्ट्रिक स्कूटर आया। तो टोटल अपने पास छः और ये दो हो गया, तो उसमें से एक ब्लू वाला जो पहले का पड़ा हुआ है, तो मतलब सात इलेक्ट्रिक स्कूटर टोटल एक दिन में आया है। और कई सारे दिन दो तीन ऐसा भी आता है। तो अब देखें कितने सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर एक दिन में अपने पास आता है, और कई सारे दिन चार पाँच दो तीन ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कंटिन्यू छः सात आठ आते रहते हैं कई दिन। और ये तो अभी सारा के सारा अपने ही कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये सब हम लोग ही सेल किए हैं, जूम के जितनी भी गाड़ी है सब हम लोग यहाँ से सेल किए हैं। बाकी कई दिन ऐसा होता है कि दूसरी कंपनी का भी इलेक्ट्रिक स्कूटर दो तीन एक दो ऐसा आते रहता है। तो ये सब जितना करके यहाँ पर खड़ा है जितना भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, ज़्यादा करके सब मेरा ही इलेक्ट्रिक स्कूटर यहीं से सेल हुआ। और ये तो इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने पास ही बना है रेवती ईवी का, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर गढ़वा से आया था और वो पूरा रिपेयर हो गया है, मैं इसका वीडियो भी डाला था। तो अभी मैं सबसे पहले इसको रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ, और इसमें और भी क्या प्रॉब्लम है वो भी देखने वाला हूँ। इसका सॉकअप वगैरह सीधा है कि बैंड हो गया है, हैंडल वगैरह बैंड तो नहीं है, ये सब दिखाने वाला हूँ। इसका पूरा आउटर चेंज करने वाला हूँ, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का सारा के सारा फाइबर मैं खोल रहा हूँ, और गन से आधा से ज़्यादा मैं स्क्रू खोल दिया हूँ, और भी इसका जो मेन ये ग्लू बॉक्स का स्क्रू बाकी है, ये भी मैं निकाल लेता हूँ फटाफट, ये आप देख रहे हैं। और गन मशीन आपके पास है तो काम बहुत फास्ट होता है, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए इसमें बहुत सारे सिस्टम भी दिया है स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, ये भी स्लो मोड में खुल रहा है, देखिए फटाफट सारा स्क्रू खुल गया इसका। स्क्रू मैं सारा साइड में रख लेता हूँ, ये ग्लू बॉक्स का स्क्रू खुल गया है। अब टीप आना से मैं यहाँ एक नट है ये खोलता हूँ, इधर का मैं स्क्रू खोल लिया हूँ, और आउटर का सारा स्क्रू खोल लिया हूँ। देखिए यहाँ से स्क्रू खोल लिया हूँ। अब ये 10 नंबर का नट है, इसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ, ये देखिए
ये देखिए, इसको आपको बाहर ले जाना है। खुल गया अभी, आउटर पूरा खुल गया है। नीचे से सारा स्क्रू में निकाल लिया हूँ, नीचे भी स्क्रू लगा रहता है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसमें आपको मालूम होगा कि काफ़ी सारा स्क्रू रहता है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यहीं हुआ इसलिए हम लोग को टाइम नहीं लगता खुलने में। देख रहे हैं, और देखिए पूरा फाइबर टूट गया है। अब इसका हेडलाइट भी खोल लेना है, और ग्लू बॉक्स भी पूरा खुल गया है। ये इसका जो है USB केबल लगा के मोबाइल चार्जिंग करने के लिए है, तो इसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ। ये देखिए, ये मैं बाहर ले लिया है, देखिए खुल गया है पूरा, ये पूरा खुल गया है। और इसका लॉक भी टूट गया था, बताएं आपको, ये भी खोलना है। तो इसको मैं देखता हूँ इधर से बाहर लेके इसको, ये बाहर आ रहा है कि और भी कहीं बाकी है स्क्रू। तो ये भी देखिए बाकी है, एक रह गया है, साइड बार में लगा था, ये निकल गया। तो मैं यहाँ का साइड बार का स्क्रू भी निकाल लिया हूँ। अब देखते हैं इसको, ये देखिए तो पूरा बाहर आ गया है। और इसका जो फुटरेस पैनल है वो कुछ नहीं हुआ है, बल्कि ये खाली टूट गया है। ये देखिए ये टूट गया है, इसलिए इसको बाहर लेना पड़ा। ये नया डलेगा और आउटर नया डलेगा। और उसका हैंडल लॉक देखिए, तो इतना कस के चोट लगा है, देख रहे हैं आप इसमें जो मार लगा है। ये देखिए पूरा चूर चूर हो गया इसका जो कास्टिंग का पार्ट है, ये देखिए लॉक का। तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ अभी। और ये चार्जिंग सॉकेट भी निकाल लेना है, इसका जो USB केबल लगता है इसमें, इसके पीछे नट लगा हुआ है, ये देखिए खुल गया। एक बड़ा सा नट लगा रहता है नीचे के साइड में, इसको भी आपको बाहर ले लेना है। ये देखिए ये नट लगा रहता है इसमें, देखें ये पुराना वाला ही लगा देंगे। और इसका हैंडल लॉक और ये डालना ज़रूरी है। मेन आउटर, इसका आउटर टूट गया है। और हेडलाइट जो है ये भी बच गया है, इसका खांचा देख रहे हैं आप, ये नहीं टूटा है। तो इसका हेडलाइट जो है पुराना वाला ही रहने देता हूँ, तो इसको मैं खोल लेता हूँ पूरा। इसमें देख रहे हैं आप, इधर 3 स्क्रू है और 3 इधर, 6 स्क्रू, एक ऊपर में है, 7 स्क्रू खोल लेता हूँ मैं। तो ये देखिए टोटल इसमें इतना स्क्रू निकला है, और नट और काफ़ी सारे स्क्रू गिर गया जिस टाइम टूटा ये, और क्लिप देख रहे हैं आप। और इसका जो पार्ट है ये देखिए, ये देख रहे हैं पूरा खुल गया है। और ये हेडलाइट ओके है, ये पुराना वाला ही लगाने वाले हैं। और इसका जो टूटा पार्ट है इधर रख दिया हूँ, देखिए ये लॉक हो गया, आउटर हो गया, ग्लू बॉक्स हो गया। ग्लू बॉक्स के अंदर से सारा स्क्रू निकाल लिया हूँ, और चार्ज वो USB केबल वाला जो पॉइंट है वो है। तो अभी मैं नया वाला लाता हूँ, और नया वाला में ऐसा स्टिकर नहीं है मेरे ख्याल से, तो लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा है। नया आउटर ये वाला है, देख रहे हैं इसमें स्टिकर नहीं आया है। मैं बताया कि इसमें स्टिकर नहीं आता है, क्योंकि अगला बार एक गाड़ी में लगाए थे, तो इसमें देखिए इसमें भी स्टिकर नहीं है। और अभी लाइट को इसमें असेंबल करने वाले हैं, और आउटर ओ इसका ग्लू बॉक्स ये वाला है, असेंबल किया हुआ था पहले से ही, तो इसको फटाक से मैं इसमें फिट कर देता हूँ। और हैंडल लॉक ये हो गया, इसमें 2 की आ रहा है देखिए, जो कि सभी गाड़ियों में आता ही है 2 की, और ऊपर का कैप ये देखिए। तो ये हैंडल लॉक लगा लेता हूँ, और इसको भी असेंबल करके फिट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं गाड़ी का कंडीशन कैसा दिखता है। और इसका एक पार्ट और है, जो कि ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें रेवती EB लिखा रहता है। ये फ्रंट पैनल है, ये भी चाहिए, क्योंकि फ्रंट पैनल इसमें था ही नहीं, मतलब टूट गया था, वहीं गिर गया टूट के। तो मैं इसको भी फिट करता हूँ, और इसको मैं असेंबल कर लेता हूँ फटाफट। तो सबसे पहले इसमें आपको हैंडल लॉक लगाना है, तो मैं हैंडल लॉक लगा दिया हूँ। और इसका वायर आपको फंसा लेना है, ऐसा ना हो कि सारा के सारा पार्ट फिट कर दें उसके बाद पता चला इसका DC खुल ही नहीं रहा। इसके लिए वापस से आपको फ्रंट पैनल खोलना पड़ेगा। तो मैं इसका जो है स्क्रू में लगा लेता हूँ यहाँ पर, और ये नट भी टाइट कर देता हूँ, जो टाइट नहीं किया हूँ मैं, कर दिया हूँ। और लॉक के बारे में तो आपको बता दिया था कि लॉक फिट करने से पहले आपको एक बार देख लेना है कि डिक्की खुल रहा है कि नहीं, वो भी चेक कर लेना, और वायर भी इसका लगा ही देना है याद से। और ये चार्जिंग सॉकेट में इसका ये वाला लगाया, पुराना वाला हटा दिया सिस्टम, उसमें गोल था, अभी ये लगा दिया हूँ। और इसका 10 नंबर का यहाँ नट लगाना है, और हेडलाइट जो है मैं असेंबलिंग कर दिया हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये असेंबल कर दिया, बस इसको इसमें फिट करना है, और ये पूरा ओके हो जाएगा। और फ्रंट पैनल जो मैं बता रहा था, ये है इसका फ्रंट पैनल, देखिए ये अभी इसके अंदर एक जाली लगता है, वो लगाना है,
और इसको मैं फिट करता हूँ। तो स्क्रू इधर का सारा सारा मार दिया हूँ मैं, और इधर का मैं स्क्रू मारने वाला इधर का बाकी है, और इसको भी फटाफट फिट करता हूँ। और भी गाड़ी देखना है अपने को, और मैं गन का स्पीड एकदम तेज कर दिया हूँ कि फटाफट काम हो जाए। ये देखिए इसका एक स्क्रू, ये देखिए कितना फास्ट है। अगर इसको बटन इसको कस के दबा देंगे तो फट से अंदर जाएगा स्क्रू, इतना तेज ये घूमता है इसका मोटर। अब मैं इसका आउटर लगाने वाला हूँ ये, और इसका हेडलाइट का वायर आपको याद से लगा लेना है। तो आउटर मैं फिट करता हूँ इसमें। तो ये रहा इसका हेडलाइट का कपलर, ये देखिए इसको लगा लेना है। उसके बाद आपको इसको फिट करना है, ये देखिए ये फिट हो गया। तो देख रहे हैं अब इसका स्क्रू है, जैसा सारा के सारा मैं टाइट करता हूँ। 10 नंबर का नट लगेगा, इधर स्क्रू है, ये मैं फिट करता हूँ इसको। तो आउटर फिट हो गया है। ये रहा इसका 24 नंबर का जो ढक्कन रहता है, ये मैं बिठा देता हूँ इसमें। ये बैठ गया है, ये लग गया देखिए। और ये रहा इसका, ये देखिए पावर ऑन हो गया। ये हुक लगा दिया हूँ, ये भी देखिए। और अब इसका जो है फ्रंट पैनल लगाने वाला हूँ, और ये नट अभी इसका बाकी है लगाना, ये लगा के लगाऊंगा। ये जाली भी लगाना बाकी है। तो फ्रंट पैनल ये है इसका, ये देखिए। और इसमें जाली ऐसा लगता है, दो स्क्रू इसमें टाइट होगा, और इधर दो क्लिप लगेगा, देखिए। ये हो गया, अब फ्रंट पैनल लगाना है। इसके अंदर जाली लगा दिया हूँ और दोनों क्लिप लगा दिया हूँ। अब इसको क्या करना है, सिर्फ आपको ऊपर के साइड ये प्रेस करना है, और नीचे के साइड ये खुलता है। तो ये देखिए, ये देखिए बैठ गया। एक हाथ से मैं बिठा दिया हूँ, ये देखिए इसको थोड़ा ऊपर धक्का मारने से, ये देखिए। और इसमें स्क्रू लगा हुआ है, बस इसको गन से घुमाना है और ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ है, देखते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए पूरा ओके हो गया है। अब इस पर एक बार कपड़ा मार देंगे, और टूल्स सारा के सारा मैं हटा लेता हूँ, और इसका मैट रख देता हूँ। इसके ऊपर मैट लगा था, और देखिए पावर हो गया, सब आ गया है। ये देखिए पार्किंग में हटाया, ये देखिए रन कर रहा है, ये देखिए दो की मिला है इसके साथ। ये देखिए पूरा ओके हो गया है, ये कपड़ा भी मार दिया इसके ऊपर, और फाइनली पूरा ओके हो गया है। और अभी इसका टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसका हैंडल वगैरह में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आगे से ठोकर लगा था, हो सकता है कि कुछ दिक्कत आए। ऐसे टायर वगैरह मैं घुमा के देख लिया हूँ, इसका बराबर है, और आगे से भी पूरा ओके दिख रहा है। लेकिन इसको भी एक बार चला के देख लेता हूँ, और सीट वगैरह भी देख लिया। और इसका एक प्रॉब्लम और बता दूँ, इसका जो है आउटर में भी थोड़ा चोट लग गया था, मतलब मार लगा था तो ये टूट गया है, देखिए ये। और ये जो है कुछ दिन बाद ये भी टूट जाएगा, क्योंकि फैलते जाता है, गड्ढे वड्ढे में कूदेगा तो ये और फटते जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के देखिए ऊपर तक फट गया है ये। ये देखिए इसके अंदर लगा है पूरा, ये छिल गया है। तो ये भी कुछ दिन बाद ये है जो टूट जाएगा, ये भी चेंज कराना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल में इतना चेंज हो गया है ये पूरा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और जो भाई भी कमेंट करते हैं कि मोटर में ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा, तो उसका वीडियो पहले से अपलोड है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और कमेंट का भी रिप्लाई मैं देता हूँ, और कई भाई के पास मेरा नंबर है और कमेंट भी कर देता है, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं देता क्योंकि फ़ोन से बात हो जाता है उसका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।